नमस्ते। आज फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ किस्से शेयर करता हूँ, कुछ मज़ेदार किस्से, मज़ेदार बातें। एक तस्वीर जो हम सभी लोग देखते हैं, पंडित जी खड़े हुए हैं धोती में और अपनी मूछों को ऐंठ रहे हैं, वो तस्वीर कैसे आई, वो तस्वीर कहाँ से आई, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर किसने खींची, आज ये किस्सा आपको सुनाता हूँ। इससे पहले ये कि पंडित जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी क्रांतिकारियों की तस्वीर खींचे। पंडित जी का साफ साफ निर्देश था हर एक क्रांतिकारी को, जहाँ कहीं भी तस्वीर ली जा रही हो वहाँ से क्रांतिकारी दूर हट जाए, क्योंकि यदि क्रांतिकारी की तस्वीर खिंच गई तो उसे पकड़ना आसान होगा। तो किस्सा कुछ इस प्रकार का है कि एक क्रांतिकारी हुए मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी, और वो झांसी में निवास स्थान था उनका, और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर उनके पास जाया करते थे किसी न किसी काम के कारण उनसे मिलने के लिए। तो एक समय पंडित चंद्रशेखर आज़ाद उनके घर पर छुपे हुए थे कुछ समय पुलिस वालों से, अंग्रेजों से बचने के लिए। और उसी बीच एक दिन जब पंडित चंद्रशेखर आज़ाद स्नान करके बाहर निकले, तो मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी कैमरे के साथ किसी की तस्वीर ले रहे थे। उसी वक्त उन्होंने पंडित जी से बोला कि आपकी भी एक तस्वीर हो जाए, और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद न जाने कैसे तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि अरे मुझे अपनी जरा मूछों को तो ऐठ लेने दो, और उसी वक्त उन्होंने वो तस्वीर क्लिक कर ली। एक और तस्वीर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की है जिसमें पंडित चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हुए हैं, मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी की पत्नी और उनकी दो बेटियाँ, छोटी बेटियाँ उस तस्वीर में बैठी हुई हैं। तो ये दो तस्वीर उन्होंने क्लिक कर ली पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की। आगे का किस्सा सुनाता हूँ जो और मज़ेदार है, वो ये कि 1929 में कानपुर में एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने विशंपायन से कहा कि कल तुम झांसी जाओ और मास्टर रुद्र नारायण के पास मेरे दो फोटो की प्लेट हैं, उन्हें तुड़वाओ। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब हंसते हुए आज़ाद बोले, सचमुच मास्टर साहब ने मेरे दो फोटो ले लिए, पता नहीं कैसे मैं मास्टर साहब के चकमे में आ गया और फोटो खींच लिए। दूसरे दिन वैशंपायन मास्टर साहब के घर गए, सारी बात बताई। मास्टर साहब ने दोनों प्लेटें निकाल करके उनके सामने रख दी। पहले के ज़माने में जो फोटो क्लिक होते थे वो कांच की प्लेटों पर प्रिंट होते थे। उन्होंने वो फोटो की दोनों प्लेटें निकाल के सामने रख दी और उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो इन दोनों प्लेटों को तोड़ दो, या तुम चाहो तो जाके पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से बोलना कि तुमने उन प्लेटों को तोड़ दिया, पर इन प्लेटों को मेरे पास सुरक्षित रहने दो, कल को यदि क्रांतिकारियों को कुछ हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद कैसे दिखते थे, सारे क्रांतिकारी कैसे दिखते थे। और वैशंपायन का दिल हाहाकार कर उठा, उन्हें समझ नहीं आया उन्हें क्या करना है, और अंत में वो तैयार हो गए मास्टर रुद्र नारायण की बात पर, और उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से जाकर के झूठ कहा कि हाँ उन्होंने वो दोनों प्लेटें तुड़वा दी। तो आज हम जो ये फ़ोटो देखते हैं, ये फ़ोटो मास्टर रुद्र नारायण सिंह जी की वजह से हम देख पाते हैं। ये था पंडित जी की फ़ोटो का छोटा सा किस्सा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी, धन्यवाद।